नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं नए ऑल्टो के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या चेंजेस उसमें होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमें बात करना है इसके फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो फ्रंट प्रोफाइल में आप पहली बात देखेंगे, इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो थोड़ा अपडेट हो चुका है। अभी इसका जो फेंडर है वो भी अपडेट हो गया है, उसका जो ग्रिल है वो भी अपडेट हो गया है। जो अभी पहले एक सिंगल था, अभी वो एक थिक प्लास्टिक क्लैडिंग, या आप कह सकते हो एक क्लैडिंग बन गया है। और अगर आप और इसमें बात करोगे तो आपको नॉर्मल हैलोजन, स्टैंडर्ड हैलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे, आपको LEDs या कुछ और नहीं मिलेंगे। तो इसमें तीन वेरिएंट आते हैं, LXI ऑप्शनल, हाँ, और VXI। तो ये सब कुछ, ये तीन वेरिएंट आपको मिलते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं LXI वेरिएंट से। LXI वेरिएंट में आपको फ्रंट प्रोफाइल में फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे, आपको स्टैंडर्ड हैलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे। और तो उसमें सब सेम ही रहेगा सारे वेरिएंट्स पे, एक्सेप्ट द चेंज ऑफ फॉग लैंप्स। अभी जैसे हम LXI वेरिएंट के साइड प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, तो उसमें तो आपको कोई चेंजेस नहीं मिलने वाला, जो पहले की ऑल्टो 800 थी वैसी वाली है। और एक और चीज़ बता दूँ, अभी ये ऑल्टो 800 नहीं है, अभी ये ऑल्टो ही है, सिर्फ इसको अभी ऑल्टो का बैजिंग दे दिया है। तो और अभी बात करें तो साइड से तो कोई चेंजेस नहीं है, वही है। रियर प्रोफाइल में जाए, रियर प्रोफाइल भी वही है, सिर्फ ऑल्टो का अभी बैजिंग आ गया, ऑल्टो 800 का बैजिंग नहीं है। तो इसकी जो बूट है वो काफ़ी एनहांस हो गई है, 177 लीटर्स का आपको विदाउट 60x40 स्प्लिटेबल सीट्स का स्पेस मिलता है। और अगर आप उसको सीट को फोल्ड करते हो, सेकेंड रो ऑफ सीट्स को, तो आपको 200 या 250 लीटर्स और मिलते हैं। मतलब आप मान लीजिए आपको रफली 377 लीटर्स से 400 लीटर्स का स्पेस मिल जाता है। अभी अगर हम बात करें इसके इंटीरियर की, तो आपको LXI वेरिएंट में तो आपको म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलता, आपको स्टीयरिंग, आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगा, आपको नॉर्मल ड्यूल हॉर्न मिलेगा, आपको नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो पहले था वैसे ही मिलेगा। फिर आपको उसमें सारे इंडिकेशंस दिखाएंगे आपको सिर्फ इसके। तो अभी मैं एक और चीज़ अगर आपको बताऊं, तो इसके जो पहले से ही ऑल्टो जो 2014 में लॉन्च हुई थी, शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, तो जब ये लॉन्च हुई थी तभी इसके सबसे टॉप एंड वेरिएंट पे भी आपको इसका जो पावर विंडोज़ है वो सिर्फ आपको स्टार्टिंग के दो पे ही मिलते थे, और जो सबसे बेस वेरिएंट था उसमें आपको कोई भी पावर विंडोज़ नहीं मिलते थे। लेकिन अभी आपको बेस वेरिएंट से ही आगे के दो विंडोज़ पावर विंडोज़ मिलते हैं, और पीछे के दो मैनुअली एडजस्टेबल मिलते हैं। तो ये टॉप एंड पे भी है और बेस वेरिएंट पे सब स्टैंडर्ड है। तो ये तो बात हो गई हमारे इसके इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर में आपको फिर फैब्रिक अपहॉल्स्ट्री मिलता है, लेदर अपहॉल्स्ट्री नहीं मिलेगा। फिर इसमें और बात करें, अगर हम बाहर जाएं तो रूफ़ पे आपको रूफ रेल्स तो नहीं मिलेंगे, किसी भी वेरिएंट पे आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता, आपको एक नॉर्मल डिजिटल एंटीना मिलता है। VXI की इस पर बात करें तो आपको 2 DIN ऑडियो सिस्टम मिलता है, और आपको शायद इस पर भी फॉग लैंप्स नहीं मिलते, या फिर आपको फॉग लैंप किसी भी वेरिएंट पे नहीं मिलते। तो उसके बारे में तो मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं आपको कंफर्म करके बताऊँगा। और अगर हम बात करें इसके इंजन के, तो ये है हमारा 797cc का इंजन। तो ये इतने छोटे गाड़ी के लिए तो इतना काफ़ी है, तो ये अपने सारे कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी बड़ी है। इसके कंपटीशन में ज़्यादा तो कोई गाड़ियाँ आती नहीं है। और एक और चीज़ अगर आपको बता दूँ, इसका जो इंटीरियर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो आपको ऑल्टो केटन से इंस्पायर्ड मिलता है। तो चलिए अभी हम VXI वेरिएंट, जो टॉप एंड वेरिएंट, उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसके स्मार्ट प्ले डॉक के बारे में। तो ये वैगनआर के जैसा सिस्टम है जो आपको उसके मिडिल वेरिएंट में मिलता है। तो ये आपका जो है, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, आपके फ़ोन में आप स्मार्ट प्ले डॉक करके ऐप है, उस ऐप डाउनलोड करके आपके सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो, या फिर आपको यूट्यूब से कुछ ये करना, आपको कुछ सर्च करना, आपको गूगल से वॉइस मिलेगा। तो ये एक यूनिक फीचर है इतने लो सेगमेंट की गाड़ी में, क्योंकि दिस इज़ द लोएस्ट मॉडल ऑफ मारुति। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके VXI वेरिएंट में आपको फिर
और तो आपको कुछ खास फीचर्स नहीं मिलेंगे, शायद आपको अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अगर वैगनआर पे नहीं मिल रहा है, K10 पे नहीं मिल रहा, तो शायद 800 पे भी ना मिले, शायद इट्स लाइक द एक्सेसरी विच इज़ अवेलेबल. बट एनी वेज इफ वी टॉक, अगर हम और बात करें तो इसमें तो फिर आपको प्राइजिंग जाएगा फ्रॉम 2.94 लाख टू 3.3 लाख. सो वो तो फिर पहले था, उससे थोड़ा ही ज़्यादा बढ़ा है बिकॉज ऑफ द अप्रैल 2000. एवरी ईयर इन अप्रैल दे इंक्रीज द प्राइजेस बाय अ बिट, यू नो, लाइक 50,000, 40,000, दैट रेंजेस, बिकॉज हर साल उनके इस पे वो चेंज करते हैं. तो हमने तो इसके सब बारे में बात कर लिया. तो अभी द मेन पॉइंट जिस पे हम आने वाले हैं वो है कि क्या दिस द मोस्ट कॉमनली आस्क क्वेश्चन बाय ऑल द पीपल हु है हु नो अबाउट दिस कार. तो वो है कि क्या ऑल्टो अभी BS6 के लिए रेडी है. तो इसका जवाब है हाँ, ज़रूर ये रेडी है. इसका जो इंजन है ये BS6 इंजन है, ये BS6 कंप्लायंट नहीं है, ये BS6 ही इंजन है. मतलब अभी बहुत सारे ऐसे गाड़ियाँ हैं या बहुत सारे ऐसे इंजन हैं, फोर्ड के मान लो, हुंडई के मान लो, महिंद्रा के, जो सिर्फ कंप्लायंट है. तो अगर वो बदलाव भी नहीं करेंगे अपने इंजन के साथ तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मारुति हैज़ टू चेंज द इंजन बिकॉज उनके जो सारे बने थे वो BS4 इंजन पे बन रहे थे. तो अभी उनके मोस्टली सारे गाड़ियों में आने वाला है, जैसे ऑल्टो K10 पे आ चुका है, अभी आपके इस पे भी आ जाएगा, अभी ऑल्टो पे भी आ गया है, अभी धीरे धीरे ऑल द कार्स विल फॉलो. तो लाइक हमने ये सब बात कर लिया, तो मेनली हम लोग अभी बस इस वीडियो को एंड कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास और कुछ बात करने के लिए ज़्यादा बचा नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ आपके लिए कवर कर दिया. अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने नज़दीकी मारुति सुजुकी एरिना जा सकते हैं. और एक और बात याद रखें कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट ज़रूर पहने, और जब आप बाइक चला रहे हैं या स्कूटर चला रहे हैं, कोई भी टू व्हीलर चला रहे हैं, ज़रूर अपना हेलमेट पहने, और अपने पिलियन को भी बोले कि वो अपना हेलमेट पहने. तो धन्यवाद और बाय बाय.